सॉरी सर, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था। ट्रैफिक जाम के कारण आपको लेट बुलाया, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। ये शक्ल मेरी टेढ़ी दिख रही है क्या? हाँ हाँ टेढ़ी दिख रही है सर। अब इसमें ये क्या नया चक्कर चालू हो गया? एक मिनट रुको। ये ताते सीधा हो गया। हो जाए अभी और उल्टा हो गया। स्पाइडरमैन। हाँ अब ठीक है। तो नमस्कार अरे साहब, नमस्कार सारे नमस्कार आईटी। नमस्कार साहब। नमस्कार सर। नमस्कार। और मेरे ख्याल से मेरे को देखने की जरूरत नहीं है, डायनेमिक एवोल्यूशन का अगर जूम मीटिंग यूट्यूब पे हो रहा है तो मेरे ख्याल से 5,000 तो पहुंच गए होंगे उधर। वही सर, उसी के कारण लेट हुए। हमारे आईटीसी भी पहुंच ही नहीं पाए, 1 मिनट के अंदर 1,000 हो गए सारे नौ को। अभी कुछ लोग मेरे को टी शर्ट में देख रहे हैं, कारण ये है कि मेरी ट्रेन है, अभी मेरे को निकलना है। तो अभी सूट पहन के मीटिंग दे के अगर फिर वापस टी शर्ट में आऊंगा तो ट्रेन निकल जाएगी। आप लोग आप लोग थोड़ा इस चीज़ को समझ लेना। यस तो आज सर। बेसिकली मुद्दा हमारा जो मीटिंग का है वो ये है कि जो आज अनाउंसमेंट हुई है तो पहले तो इसको समझना है, और जैसे आयरे साहब ने बोला है कि समझने के बाद इसको कैसे प्रमोट करना है। वो डायनेमिक एवोल्यूशन से बढ़िया मेरे हिसाब से इंडिया में ऐसी कोई टीम नहीं है कि जो इसका, जिसको बोलते हैं बेस्ट प्रमोशन और बेस्ट रिजल्ट निकालना, ये जो ऑफर है। तो सबसे पहले मेरा काम है आप लोगों को ऑफर समझाना। तो मेरे को सिर्फ 1 सेकंड का टाइम देंगे तो मैं ज़रा PPT शेयर करता हूँ कि ऑफर है क्या। तो मेरा, मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहा होगा। यस सर। 1 सेकंड, अब आपको फुल स्क्रीन पे आ गया होगा। यस सर। यस सर। देखिए सबसे पहले ये जो है नाम इस कॉन्टेस्ट का क्या रखा है इसके ऊपर हमको गौर करना है। इसका नाम है क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स। तो क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स का मतलब है कि जो अपना खुद का बिजनेस संभालते हैं। तो आज डायरेक्ट सेलिंग में, माय लाइफस्टाइल में कैरियर बनाने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ये सबसे बढ़िया कॉन्टेस्ट है। इसके लिए इसका नाम रखा है क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि ये बिज़नेस में जो हमको भी पता है कि लोग आते हैं 3 महीना 6 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा टिकते हैं, उसके बाद 10 में से 8 लोग छोड़ के निकल लेते हैं। तो आज इन लोगों को वो रेंज तक लेके जाना कि उस रेंज के बाद उनको जो ट्रेनिंग व्रेनिंग मिलेगी 2 साल 2 साल और आगे चलेंगे, तो वो तब जाके एंटरप्रेन्योर बनते हैं। तो वो एंटरप्रेन्योर बनाने की जो पहली सीढ़ी है वो ये कॉन्टेस्ट है, और उस एंगल से मैनेजमेंट ने इस कॉन्टेस्ट को डिज़ाइन भी किया है। और वही उम्मीद है कि आज हमारे नीचे जितने लोग भी जो आज डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को सुन रहे हैं, मैं आपको एक ही चीज़ बता सकता हूँ कि इस बिज़नेस के अंदर आप लाइफ भी चेंज कर सकते हैं, आप वो सपने भी पूरे कर सकते हैं। जो आप इस लाइफ टाइम में जो भी कर रहे वो आप कर नहीं सकते, वो यहाँ पे कर सकते हैं। पर उसके लिए जो स्टार्टिंग का पीरियड होता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की लाइफ में, जब भी वो पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में आता है, तो उसका लाइफ पीरियड 1 हफ्ते से लेके 2 महीना या 3 महीना, इसके बाद 10 में से 8 आदमी बिजनेस छोड़ के चला जाता है। तो उसके अलग अलग कारण होते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। मैं इतना बताता हूँ, जितने डिस्ट्रीब्यूटर लोग मेरे को सुन रहे हैं, आज आपको अगर इस बिज़नेस में रुकना है और बड़ा काम करना है तो वो चीज़ इनकम ही आपको करके देगी। तो वो इनकम कैसे करना है उसके लिए ये कॉन्टेस्ट निकाला है। तो मैं पहले कॉन्टेस्ट के ऊपर जाता हूँ। देखिए सबसे पहले ये 3 रैंक के लिए कॉन्टेस्ट निकला है, डिस्ट्रीब्यूटर, TC और ATC, क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर जो हम बोलते हैं। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर रैंक है और एक TC और ATC रैंक है, एरिया टीम कोऑर्डिनेटर और टीम कोऑर्डिनेटर। तो एरिया टीम कोऑर्डिनेटर और टीम कोऑर्डिनेटर को बेसिकली आने वाले, जो ये हफ्ता है इसको मिला के आने वाले 18 हफ्ते के अंदर ORG 1 और ORG 2 दोनों में मिनिमम 12 हफ्ता 7,500 BV मैच करना है। अगर इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 का मतलब आपका बिजनेस, फ्रेश बिजनेस हर हफ्ता ORG 1 में और 2 में 18 में से 12 हफ्ता होना ज़रूरी है। अब हो सकता है कि ये हफ्ते में आप लोग समझने में निकाल दो और कुछ भी नहीं कर पाओ, तो अगले हफ्ते आप इसके अंदर डालोगे तो वो आपका फर्स्ट वीक होगा। इस तरह से आपको टोटल 18 हफ्ते मिलेंगे जिसमें 12 हफ्ता ये काम करना है। तो TC और ATC के लिए 10,000 का रुपीज़ में बिजनेस ORG 1 और 2 हर हफ्ता 12 हफ्ता 18 में से उसको करना है। ये सर, हमारी टीम में 10,000 का ID का प्रमोशन हमने किया है और वही चलता है हमारा, 10,000 का ही सबको। हाँ, अब डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे मिनिमम जो कॉन्टेस्ट के हिसाब से है वो 5,000 BV है। तो 5,000 डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे अगर आज आप हो तो
तो 5000 बीवी इधर ORG 1 में, 5000 बीवी उधर ORG 2 में, एक ही हफ्ते में जब आप मैच करोगे और इसी तरह 12 हफ्ते आप 18 में से कर लोगे तो आप इस ऑफर के लिए एलिजिबल होते हो। तो पहली बात, जब एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया, 18 में से 12 हफ्ता करना, आपके रैंक के हिसाब से आप चेक कर लो, उस हिसाब से आपको करना है। अब समझ लीजिए किसी ने 12 हफ्ता किया तो उसने हर हफ्ते जितना इनकम जनरेट किया, तो 12 हफ्ते में टोटल उसने कितना इनकम जनरेट किया जो एलिजिबल वीक्स है। देखिए इस 18 हफ्ते में हर हफ्ते में वो इनकम जनरेट करेगा, हो भी सकता है। इसमें से 6 हफ्ता ऐसे हो सकते हैं जिसमें वो क्राइटेरिया मैच नहीं हुआ, 5000 इधर और 5000 उधर, वो मैच नहीं हुआ। पर जिस 12 हफ्ते में हुआ तब वो क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करने के बाद जो उसका इनकम इन 12 हफ्तों में आया है उसका 15% और मिलेगा। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो 12% हमको इन 12 हफ्ते में कंपनी के तौर पर एज पर प्लान मिलने वाला है। इस 12% के ऊपर आपको 12 का 15% एडिशनल मिलेगा। तो प्रैक्टिकली अगर मैं किशोर अहिरे साहब की भाषा में समझाऊं तो किशोर अहिरे साहब का एक डिमांड रहा है कि 12 का 14 करो तो हो गया एकदम। हाँ, ये 12 का 14 हो गया, पर ये डिस्ट्रीब्यूटर ATC और TC के लिए उन्होंने करवा के लिया है और वो भी 12 हफ्ते के लिए। पर फिर भी 14% इज अ गुड अमाउंट। तो मेरे हिसाब से ये है कि आपको ये 12 हफ्ता नहीं 18 हफ्ता करना है। आप 12 हफ्ता छोड़ दीजिए, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मेरे को 18 हफ्ता करना है। क्योंकि बेसिकली अगर आपने ये 18 हफ्ता सर्वाइव कर लिया ना इस इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे, तो मैं आपको बोलता हूँ आने वाले 2 साल भी आप सर्वाइव कर जाओगे। तो इसको आपको एक इंसेंटिव और एक टारगेट बनाना कि मेरे को ये कॉन्टेस्ट जीतना है। जीतना पर्पज अपनी जगह पर ठीक है, अल्टीमेट पर्पज एज ए कैरियर इस बिजनेस में ये होगा कि अगर आपने 12 हफ्ता अचीव कर लिया, मतलब आपने 3 महीना निकाल लिया, तो आपने वो वाली खाई पार की है जिसके अंदर मैक्सिमम लोग शहीद हो जाते हैं। एकदम राइट। तो आप ये शहीद होने वाली स्टेज से एक थोड़ा सा बाहर आओगे और ये जो 3 हफ्ता आप इसमें करोगे तो आप रेगुलर अचीव करने के लिए रेगुलर ट्रेनिंग, रेगुलर मीटिंग्स अटेंड करोगे टीम की, तो वहाँ से जो आपको ज्ञान मिलेगा। और इस 12 हफ्ते में जब आप हर हफ्ता 5000 भी बीवी मैच करोगे तो आपके नीचे नए नए डिस्ट्रीब्यूटर आप जोड़ रहे हो। दो तरीके से आप 5000 कर सकते हो, या तो आप रिटेल कर लो या तो आप ज्वाइन कर लो। अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं 5000, समझ लीजिए इस हफ्ते में आपने किसी को 5000 करके इस आपके टीम में इसको ऐड किया एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, तो अब आप इसको भी इस काम पर लगा दो कि भाई तू भी 12 हफ्ता कर। तो पता चलेगा अगर आपके नीचे 10 में से 5 लोग को भी अगर इन्होंने ये फॉर्मूला फॉलो किया कि भाई हमको भी बनना है, हमको भी बनना है, हमको भी बनना है, तो हो सकता है कि आप आने वाले 6 महीने में TC भी बन जाओ। पर अगर इस ऑफर को आपने मिस किया तो हो सकता है आप वो खाई में गिर जाओ जहाँ पे आप शहीद हो जाओ। तो अगर आप आए हो इस बिज़नेस में, जो भी आता है इस बिज़नेस में कैरियर बनाने के हिसाब से आता है, पर इस बिज़नेस ऐसा है जितना एक्सपीरियंस मेरे को पता है, ये जो स्टार्टिंग का 6 महीना होता है ये जो सर्वाइव कर लेता है तो आगे वाला 2 साल सर्वाइव करता है, और जो ये 2 साल सर्वाइव कर लेता है अपने पूरे कैरियर का डायरेक्ट सेलिंग में एक ही कंपनी में, वो आने वाले 5 साल सर्वाइव कर लेता है। और जो 5 साल सर्वाइव करता है उसको अगर इस बिजनेस से धक्का भी मारा जाए तो भी वो जिसने धक्का मारा उसको धक्का मार के बाहर कर देगा, पर कंपनी नहीं छोड़ेगा। पर ये प्रोसेस जो स्टार्ट होता है ये स्टार्टिंग का प्रोसेस, ये जो सबसे नाजुक पीरियड है इससे बाहर निकलने के लिए ऑफर है। तो मैं मोटिवेशनल पार्ट में नहीं जाऊँगा, उसके लिए किशोर अहिरे साहब और उनकी टीम सक्षम है। मैं टेक्निकल पॉइंट के ऊपर आता हूँ। तो देखिए ये जो ऑफर एप्लीकेबल है, ये जो हफ्ता चल रहा है वहाँ से एप्लीकेबल है और ये चलेगा 12 हफ्ता। मतलब आपका डेट अगर आप देखेंगे तो 3 जून इधर लिखा हुआ था। इस 3 जून 2022 का मतलब क्या है? आज आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपने ये स्टार्ट किया, आज आप TCO जिसने भी स्टार्ट किया उसके नीचे लोग जुड़ रहे, तो 3 जून को भी अगर आपकी टीम के नीचे कोई जुड़ेगा तो वो आने वाले अपने 18 हफ्ते में 12 हफ्ता करेगा तो इस कॉन्टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेगा। तो ये कॉन्टेस्ट कब तक के लिए ओपन है नए लोगों के लिए? 3 जून तक, 3 जून रात के 12 बजे तक। अगर किसी एक नए डिस्ट्रीब्यूटर, नई ज्वाइनिंग ने अगर 5000 इधर और 5000 इधर वही फ्राइडे को किया तो उसको फिर आने वाले 18 हफ्ते में से 12 हफ्ते करने के लिए उसके लिए भी ये मौका ओपन है। जबरदस्त। तो अगर उस हिसाब से मैं टारगेट लगाऊं तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि हर हफ्ता जो मेरे नीचे 5000 का ज्वाइनिंग करे वो 18 हफ्ते के रेस में भगाऊं मैं उसको। तो उस हिसाब से आप अगर हिसाब लगाओगे तो 3 जून तक आपके नीचे कितने लोग इस कॉन्टेस्ट के लिए भागेंगे और उसके बाद आपका टर्नओवर और ये लोग का रुकने का जिसको बोलते हैं ना प्रोबेबिलिटी, खाई में ना गिरने का प्रोबेबिलिटी, ये बढ़ जाएगा। तो 3 जून यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद जैसे रैंक है डिस्ट्रीब्यूटर रैंक पे 5000 रुपये में 3750 बीवी, ये बीवी में, और
आपका टीसी और एटीसी में 7,500, तो ये 12 वीक का ऑफर है, मतलब सॉरी 12 वीक करना और 18 वीक तक ये चलेगा और लास्ट डेट 3 ज्वाइनिंग। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, आपके जो भी क्वेश्चन आंसर मैं ले लूँगा। तो क्योंकि मैं ये कंडीशन पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ तो हो सकता है कुछ काम या कुछ बातें रिपीट भी हो जाए। तो इसके बाद है देखिए, इसके अंदर जो एसटीबी है वो आप समझ गए होंगे, 15% आपकी इनकम का, ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद है ये जो 100 सुपर एसटीबी बोनस अर्नर, तो ये जो तीनों रैंक हैं जो इस ऑफर के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, टीसी, एटीसी और डिस्ट्रीब्यूटर, जब टोटल सब लोगों का 18 वीक लास्ट का जब ख़त्म होगा तो उसमें ये टोटल निकाला जाएगा, सबसे हाईएस्ट ये 15% किन लोगों ने लिया है अमाउंट में, तो उसमें से जो टॉप 100 होंगे जिन्होंने हाईएस्ट लिया है वो लोगों को कंपनी की तरफ से एक एडिशनल गिफ्ट भी मिलेगा। तो वो गिफ्ट कितना है, 12,000 से 15,000 का पेयर वॉच मिलेगा। ये लग्जरी घड़ी है और ये मतलब दिखने में, अभी सब डिज़ाइन फाइनल हो रहा है, जितने डिज़ाइन मैंने देखे मैं मतलब माइंड ब्लोइंग है, आपके पास 2-3 दिन में सब फाइनल होकर सामने आएगा। बेसिकली ये जो 100 अचीवर है इनके एफर्ट को समझने के लिए ये गिफ्ट मैनेजमेंट की तरफ से मिलेगा, जो 12,000 से 15,000 के बीच में पेयर वॉच मिलेगा। अगर लेडीज़ ने अचीव किया है तो उसके हस्बैंड के लिए फ्री में मिल गया, हस्बैंड ने अचीव किया तो लेडीज़ के लिए गिफ्ट फ्री में मिल गया। तो ये एक फैमिली गिफ्ट मैनेजमेंट की तरफ से, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर या जो भी टीसी या जो भी एटीसी ये टॉप 100 के अंदर आएगा। अब इसमें जो 6th 8th पॉइंट है, मिनिमम मंथली, ये कंडीशन है आपको मिनिमम मंथली रीपर्चेज आपका मेंटेन करना है पूरे ऑफर पीरियड में। अब समझ लीजिए ये 18 हफ्ते का है, तो मतलब समझ लीजिए आप 4.5 महीना हो गया है ना, तो इस 4.5 मतलब 4 महीने में कोई भी महीना ऐसा नहीं जाना चाहिए जहां पे आपने मिनिमम रीपर्चेज अपनी आईडी का ना किया हो। अगर आपने नहीं किया और ये कहीं गड़बड़ हुआ कि भाई ये आपका सारा टर्नओवर इधर उधर ये सब गया एज़ पर प्लान, तो आप इस ऑफर के लिए भी डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। तो ये एक प्राइमरी चीज़ है, हमको ध्यान रखना है। जैसी मंथ खत्म होता है, जैसे कल है ना हमारा फ्राइडे को मंथ खत्म हुआ, तो आप है ना आने वाले शुक्रवार से पहले पहले अपनी आईडी का रीपर्चेज करना मत भूलना। कॉन्टेस्ट के लिए भागते भागते खुद का रीपर्चेज नहीं किया तो बाकी सब आगे चले जाएंगे और आप गोल गोल घूमोगे। तो वो चीज़ अपनी डायरी में नोट कर लो, ये जितने भी हफ्ते आएंगे इसमें जो मंथली क्लोजिंग है उसके फर्स्ट वीक में मेरे को मेरा ये प्राइमरी काम करना ख़त्म करके रखना पड़ेगा। और इसके अंदर अब जैसे आप एक यूनिक आईडी पे हो तो एक यूनिक आईडी पे आप एक ही बार इसको अचीव कर सकते हैं। अब ये जो आपका 3 आईडी ये आईडी होता है, ये सब किशोर अरे साहब सब समझा देंगे कैसे करना है इसको, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, पर मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको ये पोर्शन समझ में आ गया होगा। अब एग्जांपल के लिए अगर आपको चाहिए तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो इसके अंदर ये एक टेबल आपको दिख रहा है, 453 वीक ये हमारा करंट का चल रहा है। अब एग्जांपल के लिए मिनिमम कितना चाहिए, दोनों ओआरजी में 3750 नया बीवी और दूसरे ओआरजी में 3750 नया बीवी हमको चाहिए। ये देखिए मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा। अब समझ लीजिए किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर ने 10,000 बीवी ओआरजी 1 में मैच किया, 15,000 बीवी ओआरजी 2 में मैच किया, तो एलिजिबिलिटी में के हिसाब से उसने मैच कितना किया, 10,000। तो अब जब 10,000 मैच किया तो इसका एसटीबी जो वीकली नॉर्मली जाता है वो तो 1200 रुपये जाएगा ही जाएगा। अब ये उसी हिसाब से करता हुआ चल रहा है। अब समझ लीजिए इसने 6 वीक कर लिया, अब 7वां वीक या 8वां वीक ऐसा आता है जिसमें एक ओआरजी में फ्रेश बीवी उस हफ्ते का 2,500 ही हुआ है, दूसरी साइड 15,000 हो गया, पर दोनों साइड 3750 नहीं हुआ तो ये वीक काउंट नहीं होगा। नॉट एलिजिबल करके आपको जो दिख रहा है वो इसके लिए दिख रहा है क्योंकि 3750 बीवी दोनों में से किसी एक ओआरजी में उस हफ्ते में हुआ नहीं है। तो इस तरह से आपके 6 वीक ऐसे चले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस हिसाब से ये जो एग्जांपल है मैंने आपको समझा कि हर हफ्ते हमको मिनिमम दोनों ओआरजी में 3750 बीवी करना है। अब समझ लीजिए ये आपका एलिजिबल वीक्स आता है, तो एलिजिबल वीक्स में 1200 इधर आ गए, 1200 इधर आए, इस वीक में इतना 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 इतना, ये सब एलिजिबल वीक्स है। तो एलिजिबल वीक्स में अगर आप देखोगे तो 4 वीक एलिजिबल नहीं है और आपने 16 वीक में अचीव किया, तो आपने एसटीबी कितना लिया है, ये टोटल यहाँ पे 14,100 दिया है। अब इस 14,100 का अगर आपने 12 हफ्ता कंप्लीट कर लिया इसका इसी तरह टोटल लगाया जाएगा और इसका 15% आपको एडिशनल वो आपको कंप्लीशन होने के बाद आपके बैंक अकाउंट में आएगा। अब इसमें कोई वाउचर नहीं है, कुछ नहीं, ये प्योर आपके अंदर इंसेंटिव के तौर के ये ऑफर की तरफ से ये आपके बैंक में कैश आप समझ लीजिए कि आपके खाते में आएगा।
तो यहाँ तक अगर किसी के सवाल है वो मिलेगा, पर मेरे हिसाब से ये जो एग्जाम्पल्स है आपको सब कुछ तकरीबन क्लियर हो चुका होगा। अब मैं अगर इजाज़त चाहूँ किशोर रे साहब से, तो मेरे तरफ से मैं कुछ ऐड ओके करना चाहता हूँ, डीटीसी ना वो। वो सब बाद में बताता हूँ, पहले इसका समझा देता हूँ। हाँ, के हाँ क्वेश्चन का किसी का है ऐसा? नहीं, क्वेश्चन सब बाद में ले लेंगे, पहले तो मेरे को खत्म कर लेता हूँ, मैं कहीं अटक गया तो एक दो पॉइंट मैं ही भूल नहीं, जाऊंगा। नहीं करो सर, कंटिन्यू हाँ, करो। तो मेरे बोलने का मकसद क्या है, देखिए आज मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिला, पर मैं बताता हूँ, ये 3750 BV हमको हर हफ्ता हर डिस्ट्रीब्यूटर करना है। अब आप ये समझिए, क्या यहाँ पे 7,500 का MIDG वर्ल्ड किया या 15,000 का MIDG वर्ल्ड किया, तो आपका बीवी कितना होता है, 11,250, और 7,500 का जितना भी होता है वो बीवी आया। अब देखिए इसमें मेहनत कितनी है, 10,000 का एक ज्वाइनिंग लाने में या 10,000 का रिटेल करने में मेहनत ज़्यादा लगने वाली है। पर अगर हमने अब MIDG वर्ल्ड के हिसाब से इसको किया कि एक 11,250 BV इधर और 11,250 BV इधर एक डिस्ट्रीब्यूटर ने किया, 7,500 इधर या 11,250 इधर, इस हिसाब से अगर उसने MIDG वर्ल्ड किया तो इसमें बेनिफिट क्या होने वाला है। ये जो आपको 2,115 दिखाई दे रहा है ना, 15%, ये सीधा जंप होकर 20,000 तक भी चला जाएगा। एफर्ट कम लग रहा है, टाइम कम लग रहा है, ये वॉल्यूम के ऊपर इनकम दिया जा रहा है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो 11,750 BV और यहाँ पे जो आपका दिखाई दे रहा है कि ये मैच हुआ है, मैचिंग बीवी 1,17,000 है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे अगर सिर्फ इतना इतना भी किया तो हमारा 1,17 है, पर अगर हमने 11,250 BV किया तो हो सकता है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को सुन रहा है मैं उसको भी बोल रहा हूँ, अगर आपने MIDG वर्ल्ड प्रमोट किया और आपने 12 हफ्ते भी प्रमोट किया ना, तो मेरे हिसाब से कम 1,50,000 BV का आप मैचिंग करके बैठ जाते हैं। और आपके नीचे जितने भी लोग इस MIDG वर्ल्ड से जुड़े, अगर उनको भी वही चीज़ समझाएगी, क्योंकि मेरे हिसाब से जितना मैं समझाऊं, आज बिजनेस प्लान एक डिस्ट्रीब्यूटर को समझाना मुश्किल है, प्रोडक्ट बेचना उसके लिए बिजनेस प्लान समझाने से आसान है, बिजनेस प्लान है उसका अपलाइन समझाता है, ये प्रोडक्ट बेच सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट बेचने में अपना ज़्यादा नॉलेज का जरूरत नहीं है, समझाने का जरूरत नहीं है, कंडीशन पता होनी चाहिए सामने वाले की क्या, और ये प्रोडक्ट बेच के आएगा। तो उसी हिसाब से MIDG वर्ल्ड आप माइलेज स्टाइल का प्लान माइनस करवा लो डिस्ट्रीब्यूटर से, जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को सुन रहा हो सकता है वो अभी प्लान नहीं दे सकता, पर MIDG वर्ल्ड समझा सकता है, तो आज माइलेज स्टाइल मत समझो, MIDG वर्ल्ड समझा दो और उसका आईडी डाल दो और आपके नीचे बिजनेस ले लो। तो ये जो प्रोडक्ट है ये बिना बिजनेस प्लान दिखाए हुए बड़ा टर्नओवर देने वाला प्रोडक्ट है, और ये चल रहा है हमारा ऑफर पीरियड। तो इस ऑफर पीरियड के अंदर अगर हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोलेंगे तो प्लान पार्ट जो है वो सब तू करता रहे, वो एडिशनल बोनस ले ले, पर जहाँ पे तू कुछ नहीं समझा सकता है वहाँ जाके MIDG वर्ल्ड समझा क्या। तो 11,250 BV एक डिस्ट्रीब्यूटर जो लेवल पे आप हो लेके आओगे, और इस बिजनेस के अंदर पैसे से ज़्यादा बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। आप इनकम कमाना सीखोगे तो आप सीखने की इच्छा रखोगे, ट्रेनिंग में जाने की इच्छा आएगी, सीखने की इच्छा आएगी, और ये जो पीरियड है आपका 3 से 6 महीना इनकम कमाते हुए, इनकम के मोटिवेशन से आप जो सीखोगे ये आपको 2 साल आगे और लेके जाएगा। तो इसके लिए इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, और अगर बड़ा काम करना है, देखिए इसके अंदर एक जो दूसरा कंडीशन है, टॉप 100 अर्नर MIDG वर्ल्ड प्रमोट करते हुए गए ना, तो मैं आपको बताता हूँ इस 100 के अंदर आपका नाम आएगा, और एक बार पूरे इंडिया में माइलेज स्टाइल में टॉप 100 के अगर आप इनकम अर्नर इस ऑफर के बन गए, वो आपके बिजनेस को जो नीचे आएंगे उनको समझाने के लिए कितना बड़ा क्लोजिंग टूल है आप समझ जाओ। तो ये लीडर लोग इस बात को समझ रहे होंगे, इसके लिए हमारे को इस डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे काम करना। अब देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे मैंने समझाया, अब अगर कोई TC और ATC है, अब उसको क्राइटेरिया क्या है, 7,500 7,500 BV मैच करना है, तो 7,500 7,500 BV मैच करने के लिए उसको सिर्फ अपने नीचे डिस्ट्रीब्यूटर को दोनों साइड पर सपोर्ट करना है। आज ORG 1 का अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर 3,750 3,750 BV मैच करे या 11,250 11,250 MIDG वर्ल्ड मैच करे, तो ये TC का और ATC का क्राइटेरिया ऑटोमेटिक मैच होता है। तो आज बेसिकली TC ATC की ड्यूटी है कि जितने डिस्ट्रीब्यूटर इनके पीछे लग जाओ, भाई तू अचीव कर, तू अचीव कर, तू अचीव कर, दो फायदे, खुद का तो फायदा होता है इसको साइड में छोड़ दो, लॉन्ग रन का जो फायदा होता है ये जितने डिस्ट्रीब्यूटर इस ऑफर पीरियड के अंदर फायदा उठाएंगे ना, इसमें 80% लोगों को अगर सही तरीके से हैंडल किया गया इन 12 हफ्तों में, कहीं ना कहीं 2-4 ट्रेनिंग प्रोग्रामों में बिठाया गया, कहीं ना कहीं 3-4 प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड कर ली, तो 1.5 साल रुकने के लिए इसको ऑक्सीजन मिल जाता है, और 1.5 साल जो ऑक्सीजन मिलेगा तो उसके अंदर टीम डायनेमिक एवोल्यूशन का जो सिस्टम है इसको धो धो के
दो साल के बाद एनटीसी बना देगा, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल है, तो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल खुद के लिए भी भागे और टीसी एटीसी और इसके ऊपर के जितने डिस्ट्रीब्यूटर को अचीव करने पे लगवाएं, तो ये दोनों लेवल का ये परफॉर्मेंस जो भी है ये अचीव भी होता है। और जैसे मैं सागले साहब को सुन रहा था तो परफॉर्मेंस बोनस के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। मैं बोलता हूँ परफॉर्मेंस बोनस अचीव करना MIDG वर्ल्ड के थ्रू कितना आसान हो जाएगा इस ऑफर के अंडर में अगर काम किया तो, अगर आप उस हिसाब से सोचेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। पर इसके लिए प्लानिंग और स्ट्रेटजी दोनों बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। तो इस ऑफर को लेके जितने भी नए नए मेरे भी दिमाग में आइडिया आते हैं, किसी और टीम के मैं आइडिया सुनूंगा, तो मैं किशोर अरे साहब से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो तो मतलब जो आए बोलने के लिए बिजनेस के बारे में, ये 24 घंटे उसको काम पे लगा दे। तो मैं फिर भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को एक हफ्ते के बाद आप दोबारा बुलाना। यस सर, यस सर। एक हफ्ते के अंदर क्या क्या नए आइडिया मेरी तरफ से आए, दूसरी टीमों में क्या क्या इंप्लीमेंट हो रहा है इस बिजनेस को लेके, तो हो सकता है जो यहाँ पे 20 बातें अपने केपेबल लीडर्स डायनेमिक एवोल्यूशन के समझाएंगे उसमें से 5 और नए पॉइंट मिल जाए। यस यस यस। तो उस हिसाब से ये हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटर टीसी एटीसी का क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स का ये जो नया लॉन्च हुआ, ये मैंने मेरी तरफ से समझाया। तो मेन इसमें भूलना मत, क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स, इसका मतलब क्या है कि जो भी इसको अचीव करेगा वो हमारे साथ में कम से कम 2 से 5 साल काम करते हुए मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमको मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर फोकस करते हुए, इनको हेल्प करते हुए ये कॉन्टेस्ट अचीव करवाना है, ये ऑफर के थ्रू इनको क्वालिफाई करवाना है। बड़ा काम करना है MIDG वर्ल्ड, उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, टॉप 100 में आना है, MIDG वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट है। अब हम चलते हैं दूसरे ऑफर पे, जो DTC लेके ऊपर तक, जैसे क्राउन एम्बेसडर लिखा है ये यहाँ तक का ये ऑफर है ना, DTCB, ZTCB, STCB। अब इसमें कोई NTC होके एमराल्ड भी हो सकता है, ITC होके भी एमराल्ड हो सकता है। अब उसके ऊपर वो ITC का क्राइटेरिया अटेंड करे या एमराल्ड का, दोनों काउंट होने वाले, ये पहला डाउट जो मैं क्लियर करता हूँ। अब ये जो कॉन्टेस्ट है ये 12 हफ्ते के लिए है, मतलब 3 महीने के लिए है। वीक इधर क्लियरली लिखे हुए हैं कि 3 जून तक के लिए आप पार्टिसिपेट, तो पार्टिसिपेट करने का क्राइटेरिया वही है। अब इसमें देखिए कैसे होगा, कोई ATC है ना, अब वो फिलहाल आज के हफ्ते में वो पहले वाले जो मैंने ऑफर बताया उसमें वो काम कर रहा है, 12 हफ्ते होते होते ये DTC बन चुका होगा। तो जैसी जिस महीने में ये DTC बना, अगर उस महीने में ये रीपर्चेस में भी घुसना चाहे तो दोनों काम कर सकता है, और यहाँ से भी क्वालिफाई करेगा और ये वाले ऑफर के लिए भी भाग सकता है, क्योंकि इसके लिए मिनिमम DTC होना जरूरी है। हो सकता है कोई TC बहुत फास्ट काम कर रहा है, 12 हफ्ते पहले खत्म होने से पहले DTC बन गया, तो ये 3 जून से पहले अगर कोई रैंक होल्डर वो वाले ऑफर का DTC बनता है तो ऑटोमेटिकली ये ऑफर के लिए भी वो क्वालिफाई कर सकता है। तो उस ऑफर के लिए वो यूनिक आईडी उस ऑफर के लिए, पर वही यूनिक आईडी अगर DTC बन जाएगी तो यहाँ के लिए भी क्वालिफाई करेगी। तो ये दूसरा पॉइंट जो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। दूसरा, ये जो है एग्जैक्टली MI प्रोडक्ट चैंपियन जो पिछले साल चला उसी के ऊपर, और जितने DTC इधर हैं मेरे ख्याल से वो पिछले साल भी इस बिजनेस में एक्टिव थे। तो इसमें क्या है, आपके लेवल के हिसाब से जो आपका मिनिमम मंथली रीपर्चेस का क्राइटेरिया है उसका आपको 4 गुना करना है, खुद का सेल्फ रीपर्चेस आपको क्या मिलेगा, नॉन स्टॉप बिना ब्रेक के 6 महीना किया तो जितना भी आपने किया है रीपर्चेस वो सब का सब आपको 15% कूपन के रूप में मिलेगा। कूपन मतलब जो हम प्रोडक्ट ले सकते हैं, ये 15% कूपन मिलेगा, पहले वाले ऑफर में आपको पैसा मिलेगा वो वाले लेवल के लिए। और वहाँ पे परचेस रीपर्चेस सेल्फ रीपर्चेस टीम रीपर्चेस सब पकड़ा जाएगा, या पे सेल्फ रीपर्चेस ओनली सेल्फ रीपर्चेस, और वहाँ पे जो है तो ऑल टाइप वो बिजनेस फ्रेश बीवी, वो चाहे रीपर्चेस हो चाहे कुछ भी हो, नीचे उतना उस हफ्ते में इतना नया बिजनेस दिखना चाहिए। अब अपना प्लान का खासियत क्या है कि हम रीपर्चेस को अलग नहीं करते और ज्वाइनिंग को अलग नहीं करते, हमारे नीचे फ्रेश धंधा आना चाहिए। मतलब कोई ज्वाइनिंग भी नहीं आया, सिर्फ रीपर्चेस ही आया डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे तो भी वो एलिजिबल हो जाएगा ना, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए फ्रेश बिजनेस होना चाहिए बस। हाँ, नया बिजनेस लॉग इन होना चाहिए, ओनली डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नया बिजनेस होना चाहिए बस। नहीं तो रिपर्चेस भी चलेगा ना, नए नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी, डिस्ट्रीब्यूटर टीसी अपना प्लान क्या बोलता है अरे साहब, अपना फ्रेश बीवी बोला है ना। हाँ, तुम्हारे नीचे टर्नओवर है 12% मिलेगा, तो ये जो फ्रेश टर्नओवर आया है ये रिपर्चेस भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है और खाली ट्रेनिंग भी हो सकता है। ऑल ऑल
तो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे अगर उसको क्वालिफाई करना फ्रेश बिजनेस काउंट किया जाएगा, हाँ, मतलब फॉरवर्ड में पीछे का आगे वो कुछ नहीं है। नहीं सर, मतलब रीपर्चेस भी न्यू ज्वाइनिंग भी ये दोनों मिलके भी आया तो भी चलेगा ना? रीपर्चेस और न्यू ज्वाइनिंग दोनों मिलके भी आया तो भी चलेगा ना उसको फ्रेश बिजनेस? देखिए अपना प्लान और अपना सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नया बिजनेस ढूंढेगा। अब ये नया बिजनेस में हमारा खाली रिपर्चेज भी होता है और खाला ज्वाइनिंग भी हो सकता है और मिक्स भी हो सकता है, तो चलेगा। मतलब किसी ने चलेगा, अगर चलेगा। किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने नीचे के आईडी पे रिपर्चेज भी डाल दिया उतना तो वो इलिजिबल में गिना जाएगा। नहीं, सेल्फ रिपर्चेज मत लेना। नहीं, सेल्फ नहीं सर, जैसे अपने तीन आईडी है, किसी ने ये आईडी पे डाल दिया तो यहाँ पे एलिजिबल। ऑटोमेटिक 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 उस आईडी के लिए नीचे वाले ने अगर सेल परचेज किया तो इसके लिए वो परचेज है। यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। और कोई सवाल? मैंने मेरा प्रेजेंटेशन खत्म कर दिया, ऐसे क्या देख रहे तुम लोग? मेरे को लगा आप स्क्रीन पे जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैंने बात कर ली, अब आपके कोई सवाल है तो बताइए। नहीं, यही एक कंफ्यूजन था सर कि ओनली फ्रेश बिजनेस, न्यू ज्वाइनिंग और या मिक्स, यही एक कंफ्यूजन था, अभी वो क्लियर कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर टीसी के लिए सेल प्री परचेज भी काउंट किया जाएगा? नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर कहीं नहीं आएगा, ग्रुप जीबीवी लिखा हुआ है, ग्रुप फ्रेश बिजनेस।